हेलो गाइज, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जो है फार्मिंग सिमुलेटर 20 के गेम प्ले में। तो जो है इस गेम प्ले में मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा जो कि हमारा काम जो है काफ़ी आसान कर देगा और जो है बहुत जल्दी जल्दी मनी जो है कलेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। तो गेम प्ले पूरा ज़रूर देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल जो है वो टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो टूल जो है वो है हमारा एक सीडर। ये हमारा जो सीडर है ये जो है तीन काम एक साथ करता है। सबसे पहला चीज़ है वो जो है कल्टीवेट, ये जो है हार्वेस्ट करने के बाद फील्ड को जो है कल्टीवेट भी करता है और उसमें सीड्स भी डालता है और साथ ही साथ जो है फर्टिलाइज भी करता है, मतलब जो है इस पर स्प्रे भी करता है जिससे हमारी जो है क्रॉप इम्प्रूव हो सके। ये तीनों काम जो है एक ही साथ कर देता है और इससे पहले जो हमें पहले फील्ड को जो है कल्टीवेट करना पड़ता था, फिर जो है सीड डालने पड़ते थे, फिर उसके बाद जो है एक टूल आता है स्प्रे वाला, उससे जो है स्प्रे करना पड़ता था। तो ये तीनों एक ही बार में हो जाएंगे तो हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हमें जो है ये परचेज़ करना है। इसका जो प्राइस है वो है 1,04,000 डॉलर। तो सबसे पहले हमें जो है इतने इतनी जो है मनी कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो फिलहाल जो है हम वीट को जो है सेल करके आते हैं जिससे कि मनी हमें मिल सके, और उसके बाद देखेंगे कितनी मनी जो है हमें कम पड़ रही है। तो ये ट्रैक्टर भी जो हमें सेल करना है क्योंकि ये ट्रैक्टर जो है सबसे जो है बेकार ट्रैक्टर है ना, तो ये क्या कहते हैं कल्टीवेटर को खींचता है ना ही सीडर को खींचता है, बस ये ट्रॉली खींचता है, वो भी भरने के बाद तो उसको भी नहीं खींच पाता। तो इस ट्रैक्टर को जो है सबसे पहले हम सेल करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो टूल है हमारे तीन काम एक साथ कर देगा तो इसकी ज़रूरत हमें जो है नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल देखते हैं हमारे पास कितनी वीट है, उसे जो सेल करके आते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे जो है स्टोरेज में, इसको जो है लेके चलते हैं हमारे स्टोरेज पर। ये देखिए इसमें जो है इसकी जो बिल्कुल जान निकल जाती है ट्रॉली खींचने में। इसकी स्पीड देखिए अब इससे ज़्यादा तो है हमारा जो है दूसरा जो ट्रैक्टर है वो सीडिंग करते समय जो इससे तेज चलता है। तो सबसे पहले प्राइस चेक करते हैं कितना प्राइस जो इसका चल रहा है। हाईएस्ट प्राइस है वो है 584 डॉलर। तो वैसे भी नॉर्मल जो है 600 के आसपास चलता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे सेल कर देते हैं। ग्रेन स्टोरेज में इसे जो है सेल करना है। पास ही है काफ़ी। तो चलते हैं इसे सेल करने, उसके बाद जो है देखेंगे और क्या सेल करना है जिससे जो है हम वो टूल को परचेज कर सकें। तो जो हमें डेस्टिनेशन मार्क लगाई थी वो सामने ही है, काफ़ी ज़्यादा पास है ये जो है सेलिंग पॉइंट। तो जो है ये आ गया हमारा सेलिंग पॉइंट। तो देखते हैं इससे जो है कितने मनी जो है हमें मिलेगी। ज़्यादा कुछ खास इससे नहीं मिला है, पर फिर भी इसे जो है 11,000 डॉलर जो हमें मिल गए हैं। तो अब इसको सबसे पहले हमारे जो है होम में इसको ट्रॉली को खड़ी करके आते हैं, फिर चलेंगे इसको ट्रैक्टर को सेल करने। और जो हमारा पुराना टूल है सीडिंग वाला उसको भी ये जो है हमें सेल कर देंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नया टूल हमारे पास होगा जब।
जो है यहीं पे खड़ा कर देते हैं। तो चलते हैं व्हीकल में, हमारा जो है व्हीकल, इसको जो हमने सेल कर दिया है, और ये ट्रैक्टर है, इसको भी हमें जो है सेल करना है। तो देखते हैं जी, देखिए ये देख, हमारे पास मनी जो है काफ़ी हो गई है उसको टूल को ख़रीदने के लिए। तो ये हमारा बेचारा अकेला रह गया, इसका जो है सीडर सेल हो गया है। अब जो है इसे जो परचेज करते हैं, हमारा सीडर, ये देख दो सीडर हैं, एक जो है ये सारी क्रॉप जो है सीड करता है नीचे, आप देख सकते हैं लोगो, और दूसरी जो है ये सनफ्लावर और ये कॉर्न वगैरह सीड करता है। तो हम ये पहला वाला ही परचेज करेंगे। तो अब चलते हैं इसे लेने शॉप पर। ये ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है, ये जो है गेम में जो है डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, फिर भी ये काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। तो चलते हैं शॉप पर। ये हार्वेस्टर भी जो है हमने अभी कुछ टाइम पहले परचेज़ करा था, क्योंकि जो है जो पुराना वाला हार्वेस्टर था वो काफ़ी स्लो था, और उसकी हेडर की जो है चौड़ाई भी काफ़ी कम थी, तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन ये जो है काफ़ी बढ़िया है। तो ये आ गया है हमारा टूल, लगाते हैं इसको ट्रैक्टर में। ये खींच क्यों नहीं रहा? ये क्या हो रहा है भाई? इसमें शायद कुछ गेम में कुछ बग है। अब जुड़ा है, पहले जो ये अटक गया था मुझे लगा ये जो है जुड़ गया है, पर नहीं जुड़ा था। तो अब चलते हैं, ये गेम में वैसे काफ़ी सारे बग हैं जो काफ़ी जल्दी फिक्स होने चाहिए, नहीं तो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। तो सबसे पहले इसमें जो है सीड फिल कराते हैं, और जो है इसमें जो स्प्रे हमारा फर्टिलाइजिंग है उसको भी फिल कराएंगे। तो ये आ गए हमारे सीड। सीड हमारे हो गए फुल। और ये हमारा स्प्रे भी हो गया रेडी। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे हैं, तो अब करते हैं इसको यूज़ और देखते हैं कितनी स्पीड से ये खींच पाता है इसको। काफ़ी बड़ा जो है सीडर है, और इसको जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैसे लोडिंग वैगन है, पर हम इसको अभी बाद में उठाएंगे अगली बार, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ लोडिंग वैगन हमारी। इसके जो स्ट्रॉ को हम कलेक्ट करके सेल करते हैं, तो उससे भी काफ़ी मनी मिलती है। इसकी स्पीड जो है 13-14 तक जा रही है, जो कि ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है। तो उससे पहले ये इसको खाली कर दे, ये हमारी स्ट्रॉ को साफ़ कर दे, हमारी स्ट्रॉ को जो है कलेक्ट कर लेते हैं। ये भाई इतनी दूर से ब्लॉक हो जाते हैं, ये देख लो, ये बीच में जो है हमारे इसमें कुछ बग आ गया था सीडर में, अपने आप ही छोड़ के भग गया, इसे जो है सीड ही नहीं करे। तो ये अगर हमारा लोडिंग वैगन को जो है सबसे पहले स्ट्रॉ कलेक्ट कर लेते हैं, इससे पहले कि वो जो है इसे स्ट्रॉ को साफ़ कर दे। थर्ड वाली, सेकंड वाली से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाली तो वैसे भी अब जाएगी।
FPP में जो है काम काफ़ी आसान हो जाता है, पर देखने में इतना कुछ बढ़िया नहीं लगता, तो TPP ही कर लेते हैं दोबारा। और जो है हमारा क्या कहते हैं हार्वेस्टर भी फुल होने वाला होगा, उससे भी जो है खाली करना है। हमने ट्रैक्टर तो बेच दिया, पर इसी ट्रैक्टर से काम चलाना पड़ेगा अब। तो इस दो लाइनों को और कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा हार्वेस्टर को खाली करेंगे। इसकी स्पीड जो है काफ़ी सही है साइड वाले ट्रैक्टर की। तो इतना ही बहुत है, वैसे भी इतना ज़्यादा प्राइस जो इसका नहीं मिलता। तो हमारे जो है हार्वेस्टर को खाली कर लेते हैं, वो जो फुल ऑलमोस्ट फुल होने वाला ही होगा। तो चलते हैं, ये ट्रैक्टर जो काफ़ी बढ़िया, हाल ही में मैंने जो परचेज़ करा था कुछ 2,29,000 डॉलर का था ये। देखिए, अरे सीधा हो जा, हो गया। ये तो दूसरे ट्रैक्टर से लाके टक्कर मारनी पड़ती तो सीधा होता। हमारा हार्वेस्टर वो रहा सामने, शायद फुल हो पड़ा टैंक, नहीं अभी नहीं हुआ। तो चलते चलते इसको खाली कर लेंगे। आ जा भाई। ये जो है हार्वेस्टर भी है बहुत जल्दी जो है चेंज करेंगे। एक और इससे बड़ा हार्वेस्टर भी है, और दो दो इससे बड़े हार्वेस्टर है, पर जो है थर्ड वाला काफ़ी है, उसे जो परचेज़ करेंगे। क्योंकि जो हमारा टूल आ गया है, बहुत ही जल्दी जल्दी हम जो है सेल करेंगे क्रॉप को हार्वेस्ट कर करके, तो काफ़ी जल्दी जो मनी कलेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए इससे जो है क्या क्या बढ़िया टूल है, एक ही बार में ये हार्वेस्ट सॉरी कल्टीवेट भी करता है, सीड भी डालता है, और साथ ही साथ इसे जो फर्टिलाइज भी करता है, तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। तो आज की वीडियो में जो है यही था बस। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गुड बाय गाइज़।